वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग सभी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हकीम रजा इलाही साहब, जिन्होंने आज टॉपिक पे बात की, डायरिया, मलेरिया और इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, चिकनगुनिया और हड्डियों का बुखार, बच्चों का जो है वो मोशन लगना, तो उसकी होम रेमेडीज़ भी बहुत अच्छी थी। मैं हकीम साहब से बात करना चाहूँगी, ऑफकोर्स जिस तरह हमने बच्चों की बात की और आपने एक दो होम रेमेडी, कोई और ऐसा जो कहवा हो या कोई ऐसा आप समझते हो कि रेगुलर हम इस्तेमाल करें तो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हम पर कोई बीमारियाँ इफेक्ट ही ना हो। जी जी, देखें, एक तो लीमू का इस्तेमाल करना, खसूसन इस वेदर के लिहाज से, इस मौसम के लिहाज से जो अमराज पैदा होते हैं उनकी नोयत के अतबार से लीमू और शहद का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये जी, आपने लेना है हरा पुदीना एक मुट्ठी के बराबर, ठीक है, एक थम के करीब आप अदरक ले लें, उसमें दो छोटी इलायची डालें, एक चम्मच उसमें सौंफ की डाल दें, एक उसमें टमाटर डाल दें, बाकी अपनी मर्जी से जो चीज़ चाहे डाल दें। चीजें डालनी अब इसमें नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च नहीं डलेगी ना लाल मिर्च डलेगी। ये चटनी बना के ये दोपहर के वक्त इस्तेमाल किया करें, इससे मैदे का सिस्टम अच्छा रहता है, खसूसन डायरिया होने के जो इम्कान होते हैं वो टल जाते हैं, और इसके साथ जिगर और मैदे का काफ़ी, वो जो कैप्सूल लेते हैं ना 40 mg 20 mg, कभी कभी साशे उसका पानी में डाल के पी रहे होते हैं, उसकी नौबत नहीं आएगी, एक तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है, किसी चटनी को आप बना के फ्रिज में रख लें, उसमें से एक दो टेबलस्पून लिए, दो तीन कतरे उस पर लीमू के निचोड़ लें, क्या जायका है जी, दुआएं देंगे मुझे और भूख भी अच्छी लगेगी। जिगर, मैदा, मसाना, ये सब ठीक। अच्छा, जिगर, मैदा, मसाना, एक और चीज, आलू बुखारे के बड़े फायदे हैं। आलू बुखारे का सीजन भी है, लेकिन अगर वो सीजन खत्म हो जाए तो भी, मैंने देखा है लोग अक्सर बुखार में कहते हैं आलू बुखारे का शरबत पिए घर में। जी जी, बाहर का नहीं प्लीज। हाँ, बाहर का नहीं, आलू बुखारे का पिए, लेकिन ये है कि जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है, नज़ला वगैरह अंदर गिरता है, आए दिन इस तरह के एक प्रॉब्लम होते रहते हैं, वो भी आलू बुखारे का इस्तेमाल करें, लेकिन वो ऐसा करें कि 5-7 दाने आलू बुखारे के ले लें, रात को भिगो के रख दें, सुबह उसकी गुठली निकाल दें, अब एक गिलास पानी का 4-5 दाने आलू बुखारे के, थोड़ी सी उसमें जिंजर डालेंगे और उसको जूसर में ग्राइंड कर दें, उसमें शक्कर, चीनी, जो भी आप मिलाना चाहें मिला के पिए, बड़ा मज़े का शरबत बनता है आलू बुखारे का, और आपको इस वेदर में जो अमराज पैदा हो रहे हैं उनसे भी महफूज रखेगा। और जिंजर और आलू बुखारे का एडवांस मैं बेनिफिट आपको बता दूं, इसमें जो ग्लूटाथायोन के बेनिफिट होते हैं ना, वो तकरीबन इसमें मिलते हैं। वाओ, जबरदस्त। और आप ये करें, महीना डेढ़ करें, देखिएगा आपकी स्किन पे जो है वो सोनी सोनी हो जाएगी, आप ग्लो ग्लो हो जाएगा, ग्लो ग्लो हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आलू बुखारे के 3 दाने लिए ग्लास में, 4 या 5 दाने रात को भिगो के रख दिया, सुबह गुठलियां निकाली आपने, उसमें हाफ थम के करीब या आधी इंच के करीब अदरक का टुकड़ा डालें, ठीक है, और उसको एक गिलास पानी डाल के उसको जूसर में डाल के ग्राइंड करें, ठीक है, जूस बन गया उसका। अब छान लें उसको, छान के उसमें शहद, शक्कर या चीनी, जो भी आप मिलाना चाहें मिला लें, ना भी मिलाएं, जो डाइट पे हैं, जो फैट लूज कर रहे हैं वो उसमें मीठा मीठा ना मिलाएं, उसका जायका अच्छा होता है, ये खाली पेट पिया करें तो ये आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट देता है। इस मौसम के लिहाज से इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और जो मच्छर के काटने से जो अमराज पैदा होने की अलामत होती हैं वो टल जाती हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये जो आपने बताया ना आलू बुखारे का, ये बहुत वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, खून साफ करने का एक बड़ी जबरदस्त आपने एक प्रोडक्ट बता दिया। हर वो चीज़ देखे जो RBC बढ़ाए आपके, ठीक है, ग्लूटाथायोन क्या करता है, RBC बढ़ाता है, ठीक है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, विटामिन सी जिसमें थोड़ा बहुत टच हो, वो चीज जो है वो आपका रंग साफ। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई खूबसूरत अपने प्यारे प्यारे लोगों को मैसेज जो आपको देखते हैं। जी, मेरा तो मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, मोबाइलों को रात के वक्त 8 से 10 या 10 से 11 बजे के करीब एक साइड पे रख के आपस में सारे फैमिली मेम्बर बैठा करें और गप शप किया करें, इससे तहलील नफसी होती है और रात को नींद अच्छी आती है। मोबाइल लेके पूरी रात बैठे रहें, नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के बाद। एक और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बात करूंगी इनकी, इन्हीं के लफ्ज दोबारा दोहराऊंगी कि कोई भी जैसे होम रेमेडी है, और अक्सर मैंने देखा है कि जितने हर्बलिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि कुछ चीज़ें चेंज करके, कभी इमली का शरबत, कभी आपने आलू बुखारे का, कभी आपने जैसे डिफरेंट ड्राई फ्रूट, तो एक चीज़ रेगुलर नहीं यूज़ कीजिए,
कुछ भी होम रेमेडी उसको थोड़ा दो दिन के गैप से भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जबान का टेस्ट भी ना जाए और आप उसकी जो है ना वो रोजाना जो चीजें यूज करते हैं ना फिर आपका दिल और चाट हो जाता है। जैसे कुछ लोग किशमिश भिगो के खाते हैं अपने स्किन के लिए या आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो रेगुलर जब इस्तेमाल करते हैं ना उनका दिल और चाट हो जाता है। तो डिफरेंट डेज में डिफरेंट तरीके से कीजिएगा तो आपका दिल भी नहीं बुरा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अच्छा जी, बात करेंगे हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी, ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी, मेरे ब्यूटी सेगमेंट अभी स्टार्ट हो गया तो मैं ऑफ कोर्स ब्यूटी से रिलेवेंट बहुत सारी बातें करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बड़ी प्यारी, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट बैठी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये यूनिक क्या चीज़ है, हम अपनी हेल्थ अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं। तो उनसे बात करते हैं, यहाँ पर एस्टर मौजूद है, स्टैटिक जो है एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अभी उनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, मुझे भी शायद मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताएं। आप बड़ी फ्रेश फ्रेश है भाई। थैंक यू। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हो जाए। ये बताइए कि आज मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है, ब्यूटी की जब बात की जाती है तो ब्यूटी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? एस्थेटिक जो है ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं इसमें, और स्किन को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे सैलॉन्स में हम जाते हैं तो इंस्टेंट ग्लो आता है, तो जब हमें इंटरनली ग्लो देना है स्किन को, स्किन का स्किन टेक्सचर अच्छा करना है तो हम एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ रुख करते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम करते हैं, हाइड्रा फेशियल करते हैं, PRP करते हैं स्किन का टेक्सचर अच्छा करने के लिए, हेयर नेल वेट लॉस वाइटनिंग इंजेक्शन, सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं एस्थेटिक में आती हैं। ओके, अच्छा हम बात करेंगे शगुफ्ता, आर यू रेडी? अच्छा जी, शगुफ्ता से बात करते हैं। मुझे लग रहा है आपने माइक ही नहीं लगाया। माइक लगाया? ओके, डन हो गया जी, डन हो गया। मैंने कहा शायद मे भी जी, हमारे दरमियान यहाँ पर ब्यूटी रोजाना मेरी प्रोग्राम की वो खूबसूरती है। अच्छा जी, बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन है और माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर टीचर डिफरेंट ब्रांड्स को जो वर्किंग कर रही हैं एज अ कॉस्मेटिक्स, डिफरेंट जगहों पर जाके, शहरों में जाके, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों में इन्होंने, लाहौर में गई हैं, इस्लामाबाद, वहाँ जाके ब्यूटी क्लासेस दी हैं। तो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम ज़ैनी सलोन। से कैसी हैं भाभी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? एक बार फिर आप उजागर हो गई हमारे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, इनके पर टाइम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी आप पकड़ लेती हैं मुझे। अरे यार क्या बात, आपकी मोहब्बत है यार। अच्छा जी, हम लोग ऑफ कोर्स आज एक ब्राइडल मेकओवर भी है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो हमारी साथ वर्षा होंगी, लेकिन हम थोड़ी बात करें स्किन से। आज यहाँ पर एस्टर भी मौजूद है, शगुफ्ता भी मौजूद। अच्छा शगुफ्ता, ऑफ कोर्स जिस तरह स्किन पर फेशियल वगैरह लोग भी करवाते हैं वो थोड़े टाइम के लिए ग्लो भी होता है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत डैमेज होती है, उनको दोबारा रिकवर करने के लिए क्या उनको बार बार फेशियल करवाना चाहिए या नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए? नहीं, बार बार तो नहीं कराना चाहिए, जैसे अब एक्स्ट्रा का काम है, माशाल्लाह इतना बेस्ट है, मैं कहती हूँ फेशियल आप एक दफ़ा लो, लेकिन इनका जो बीबी ग्लो है, PRP है, ये तो मतलब बता नहीं रही है, हमारे काम को थोड़ा सा नीचे ले गई है ये, हमारे बेस्ट है, लेकिन बहुत मैंने इनसे सवाल किया जी, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ना, जरा गौर से नाजी, मैं आंखें भी मर रही हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा मैं ये देखो, मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा कि यार मुझे नहीं मालूम स्किन ट्रीटमेंट, तो इन्होंने थोड़ा सा बोल के चुप हो गई, मैंने एकदम घबरा गई, मैंने कहा यार ये छुपा रही है, राज की बातें नहीं बता रही है, ये खुद इतनी खूबसूरत लग रही है, चाहती नहीं है कि आप बहुत अच्छी स्किन है इनकी, तो PRP जो है जैसे हम बताओ फेशियल से आप ग्लो देते हैं स्किन को, हम PRP जब करते हैं हम स्किन को अंदर से ग्लो देते हैं। ओके ठीक, तो PRP जो है गोल्डन उसमें भी माना जाता है, फेशियल में भी माना जाता है, लेकिन PRP बेसिकली क्या है, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो हमारे अपने ही ब्लड से हम गोल्डन प्लाज्मा निकालते हैं और इंजेक्ट करते हैं फेस के अंदर, या तो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं या मीजो से करते हैं। तो दो तीन प्रोसीजर हैं जिसके साथ हमारी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा होता है, जैसे हम बहुत सारे स्टीरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं और स्टीरॉयड यूज़ कर करके हमारी स्किन थिन हो चुकी होती है, तो स्किन को थिक करने के लिए, स्किन का टेक्सचर अच्छा करने के लिए हम PRP लेते हैं। PRP के साथ आजकल PRF भी आया हुआ है, सेकेंड जनरेशन है PRP की, तो हम दोनों मिक्स करके कर रहे हैं ताकि स्किन और अच्छी हो जाए। मोस्टली लोगों ने बहुत स्किन अपनी वो कर ली हुई है, थिन कर ली हुई है,
स्टीरॉयड यूज कर करके, क्रीम यूज कर करके, ये जो ब्यूटी क्रीम्स यूज करके, मतलब के डेज में कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्लो के लिए डेज में फेशियल करते हैं। हाँ। तो पीआरपी करवाओ, फेशियल से बेस्ट है आप पीआरपी करवाओ। बिल्कुल। अच्छा, फेशियल बेसिकली स्किन की क्लीनिंग है। ठीक है, ठीक। और स्किन का जो ट्रीटमेंट है, जो अगर एक्नी, पीआरपी हम एक्नी स्कार्स के लिए भी करते हैं, फॉर एंटी-एजिंग भी करते हैं, तो ये आपको अगर आपकी स्किन ट्रीटेड है, आपकी स्किन अच्छी है, तो आपको फेशियल का भी ग्लो आएगा। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आपको फेशियल का भी ग्लो नहीं आएगा, वो सिर्फ विद इन अ टू डेज में खत्म हो जाता है। अच्छा एस्टर, आपसे बहुत सारी बातें करूँगी रेलिवेंट टू रिंकल्स हैं या पिंपल्स हैं या बहुत सारी स्किन ऐसी है जो डैमेज हो चुकी होती है और वो दोबारा ग्लो नहीं कर पाती, जबकि है प्रॉब्लम में उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही ने हमारी स्किन को डैमेज कर दी है। और उम्र से पहले आपके रिंकल्स मेंशन हो रहे हैं, इंटरनल हार्मोनल प्रॉब्लम है, पैचेस पड़ रहे हैं। आज हम बहुत ही, क्योंकि ऑफकोर्स सीनियर है तो हम इनकी, ये इसको हम स्किन स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, तो इसीलिए हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स ब्यूटी सेगमेंट है, ब्यूटी में सब चीज़ें, शगुफ्ता बाबर ब्यूटी एक्सपर्ट है, ब्यूटिशियन है, उनसे भी बात होगी, एस्टर से भी बात होगी। और हमारे साथ इस वक्त ब्यूटिशियन मौजूद है वर्षा, और वो एक ब्राइडल मेकअप रेड कलर का सूट है, आज वो हमें बताएंगी कि ब्राइडल मेकओवर का कुछ प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्षा, कैसी हैं आप? ठीक है, ये है आपका कैमरा, वो देखे ना जरा, ये नाजिन आपको देख रहे हैं। आज क्या ब्राइड बना रही है, थोड़ा ब्रीफ कीजिए इसके ऊपर। ये एक पाकिस्तानी ब्राइड है। ओके, सबसे पहले क्या आपने सब लगाया, क्या सबसे वन बाय वन बताएं? मैंने ओरिएंटर और ऊंचा बोलो, ओरिएंटर बेस यूज किया है, 45 यूज किए, और बेस वगैरह। ओके, बोलते रहे, बताएं जी। और अभी हाफ है, अभी आईज मेकअप करना है। अच्छा, हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बेस बहुत अच्छा बना है। हाँ, बहुत ग्लो कर। कौन सी ब्रांड का आपने यूज किया? ये ग्लैमर का है। ग्लैमर का इन्होंने F2, गुड गुड, F2 ग्लैमर का, F2 और एमिली का 3 नंबर, गुड गुड। अच्छा, आप भी बोलना भी आ जाएगा वर्षा, टैलेंटेड बहुत हो, थोड़ा कंफ्यूजन यूँ होती है जरा बोलने में, और कुछ नहीं, हेजिटेशन, डोंट यू वरी, आप काम बहुत अच्छा करते हो। आप स्टार्ट करो, हम लोग गुफ्तगू भी करेंगे और देखते भी रहेंगे, ठीक है? वर्षा ने जो है वो भी ब्राइडल मेकओवर कर रही है, और बेस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि, और बता भी दिया उन्होंने क्या लगाया है, छुपाया कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जरा कम होती है ना शगुफ्ता, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ा प्रेजेंट दिखा सकते हैं। बहुत भाग दौड़ करती हैं। हाँ, वो फिर मैं क्या कह रही हूँ दोबारा कहना, ये मेरी फोन जल्दी जल्दी शगुफ्ता जल्दी जल्दी। अच्छा, शगुफ्ता के पीछे यार तुम तो एक एक्सपर्ट हो ना, टीचर हो, आपको तो मालूम है ना टेक्निक जल्दी जल्दी से, तो वो तो आप तो वॉइस स्टाइल पूछो। अच्छा, हम बात कर रहे थे सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, ये बताएं कि रिंकल्स ऑफकोर्स कुछ लोगों की एज से पहले तो लोग डरते भी हैं, या कोई ये इक्विपमेंट्स लगाते हुए स्किन को डैमेज ना हो जाए, तो ये इसके बारे में बताएंगे जरा मुझे। नहीं, इसके बारे में ये है कि आप ऐसे ट्रीटमेंट करवाएं जिनसे आपका, पहले तो अपने टेस्ट करवाएं, अपनी स्किन को अच्छे किसी उसके पास लेके जाएं, डॉक्टर के पास, जो आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट ना करें। बाज़ दफ़ा रॉन्ग ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन देने से भी स्किन ख़राब हो जाती है, जैसे कि स्किन अगर पहले से किसी की ड्राई है तो उसको और ड्राई करने के लिए उसको विटामिन सी के या कोई भी ऐसे सीरम या कोई भी सीरम ऐसे दे दिए जाते हैं या क्रीम्स ऐसी दे दी जाती हैं और ज़्यादा ड्राइनेस उसको सूट, और ड्राइनेस से और ज़्यादा हमारी स्किन पे रिंकल आते हैं। हम जितना मॉइस्चराइज स्किन को रखते हैं, हमारी स्किन उतनी ग्लो करती है, और मॉइस्चराइजिंग के लिए और हाइड्रेशन के लिए हम हाइड्रा फेशियल करते हैं। हाइड्रा फेशियल में भी 2-3 स्टेप्स हैं हमारे, जिसमें ग्लोइंग के लिए भी, एंटी एजिंग भी है, और एक्नी के लिए भी है। तो बाकी रिंकल्स की आप बात करें तो उसमें अदर्स प्रोसीजर हैं, जिसमें बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड्स हैं, और पीआरपी से भी बहुत अच्छी कवर होती है। इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल प्रोसीजर हैं ये सारे। अच्छा। और बाकी आजकल जो नया प्रोसीजर आया हुआ है, आईफू भी आया हुआ है, वो इंजेक्टेबल नहीं है, नॉन इन्वेसिव है। यूज किया है तो आपने? क्या यूज किया? मैंने हाइफो करवाया था। अच्छा, हाइफो बेसिकली कंट्रोलिंग भी है, रिंकल के लिए थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए ज्यादा होता है। लिफ्टिंग खास रिस्ट्रिक्शन होती है कि इसको करवाने के बाद कोई भैया ज्यादा गर्मी में ना जाए, धूप, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हाइफो का तो कोई डाउन टाइम नहीं है, बाकी प्रोसीजर्स के डाउन टाइम है, थोड़ी रेडनेस हो जाती है स्किन पे। अगर हम पीआरपी लेते हैं तो पीआरपी के बाद हम तकरीबन कहते हैं कि आप सनब्लॉक जरूर यूज करें। सनब्लॉक वैसे हमारी सभी स्किन को यूज करना चाहिए, सनब्लॉक को ऐसा समझना चाहिए हमारी स्किन का खाना है। अच्छा। अगर हम अपनी स्किन को कवर करके नहीं निकलेंगे, आजकल ये लाइट्स जो है हमारी, टीवी की लाइट्स हैं, ये भी हमारी पिगमेंटेशन बढ़ाती हैं,
श्री गुप्ता जैसे मेकअप करती हैं लाइट्स में खड़े होके, इनकी भी पिगमेंटेशन बढ़ती है, बहुत ज्यादा स्किन थिन, और दूसरा सनलाइट में जाते हैं पिगमेंटेशन बढ़ती है, सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है। मैंने कहा कि आप घर में भी हैं, आप कुकिंग भी कर रहे हैं, तो आप उसमें भी आप सनब्लॉक यूज करें पहले, उसके बाद आप चूल्हे के पास जाएं। गुप्ता कुछ अच्छा, मैंने भी हाइफो इसलिए करवाया कि मैं इंजेक्ट नहीं करवा सकती, मेरी स्किन इतनी थिन हो चुकी थी ना कि वो पैचेस पड़ जाते थे, जब भी मैंने एक दो दफा इंजेक्ट करवाया तो बहुत बहुत बड़े बड़े पैच पड़ते थे। मुझे आप ना हाइफो करवा लो, वरना बेसिकली हाइफो जो होता है फेस कट, मेरा तो फेस कट कंट्रोल ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपका वो है। अच्छा, इनकी स्किन बहुत पतली है जिसकी वजह से मैंने उनको सूट नहीं करता, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जिसके पास हम जा रहे हैं अब वो तो अपना तजुर्बा कर रहे हैं कि यार आपको ये जरूरत है, ये नहीं मालूम कि उसकी बॉडी को सूट कर रहे हैं कि नहीं। सर डॉक्टर ने बताया कि आप नहीं करवाओ, आपकी स्किन बहुत थिन है, आप हाइफो करवा लो। मैंने सोचा हाइफो तो वो लोग करवाते जिनका फेस कट बना, मेरा तो ऑलरेडी है, नहीं लिफ्टिंग के लिए होता है, आपका यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ करेंगे। ठीक है, गुड। ये इसकी सिटिंग कितनी होती है? हाइफो बेसिकली जो है वो 3 सेशन देते हैं हम लोग, और 1 सिटिंग जो है 3 मंथ्स के बाद दी जाती है, मीन्स 2 मंथ में उसका रिजल्ट आता है 1 सेशन का, और 3 मंथ्स के बाद दोबारा सेशन देते हैं। 3 सिटिंग के बाद इसका रिजल्ट जो है वो 2 ईयर्स तक रहता है, मीन्स जो हमारा हाइफो 7 ईयर हम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अभी शाइस्ता लोधी भी है जो वाइडी है वो कर रही थी कुछ, सभी का है, सब ने अपनी अपनी मशीन रखी हुई है। एक्सपेंसिव है ये, एक्सपेंसिव क्योंकि अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर पे जाते हैं तो उसमें हमें थ्रेड लिफ्टिंग और उसमें फिलर बोटॉक्स करने पड़ते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है कि आप एक साथ सिर्फ हाइफो करवा लें तो आपको बोटॉक्स और उससे थ्रेड से बचते हैं। हमने करवा लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने करवा लिया, अब इसका ड्यूरेशन बताएं कि ये ना हो कि दोबारा वो उसी कंडीशन में कब जाता है, या हमें इसको कोई 1 साल के बाद दोबारा कुछ ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत? आप 3 मंथ्स के बाद इसको रिपीट करेंगे, 3 सेशन लेने के बाद 2 ईयर्स तक इसका रिजल्ट रहेगा। अच्छा, ओके। और अगर जैसे अगर मैंने करवाया है लेकिन मेरा मोबाइल यूज इतना है और मेरा काम बैठ के सिर्फ ऐसे मैं 2 आवर्स तक मैं बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो मेरा डबल चिन फिर से अपेयर होना शुरू हो गया, तो ये हमें खुद भी थोड़ा सा करना पड़ता है कि फेस की थोड़ी एक्सरसाइज करते रहे। अच्छा। थोड़ी एक्सरसाइज भी साथ में रखनी पड़ती है, ज्यादा झुकने से आपकी ये चिन नीचे, ये अर्थ ग्रेविटी होती है ना, अर्थ ग्रेविटी है हमारे, ये जो जॉल्स आ जाते हैं नीचे, ये जो हमारी डबल चिन आ जाती है अर्थ ग्रेविटी की वजह से। हम लोग ऐसे करके मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमें नहीं मोबाइल तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि 15 मिनट 10 मिनट की ऐसे एक एक्सरसाइज है लिफ्टिंग की, या इस तरह जैसे करते हैं ऐसे ये वाले, आप कंटोरिंग कर सकते हो, मछली बनाना मुंह, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे करके 10 मिनट तक आप करें डेली तो अच्छा उसका रिजल्ट हो। कुछ बिल्कुल बिल्कुल ए ओ कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोले, या ये है ठीक है, पूरा आपने इस तरह लिफ्ट करके लेके जाना है, ठीक है, और इस तरह मैंने तकरीबन 2 सेटिंग अपनी हो गई है, मेरी 3rd सेटिंग हो गई। अच्छा चलो, ये तो ये पहले अगर जो बंदा घर में जैसे अपने का मॉइस्चराइज होना बहुत जरूरी, तो हम घर में ऐसी क्या चीज़ें जो यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो है ना हमें प्रॉब्लम ना है, कुछ समझते हैं आप इन चीज़ों? घर में है तो सही, लेकिन आजकल स्किन ऐसी हो चुकी है, वेदर ऐसा है कि वो चीज़ें उस तरह वर्क नहीं करती। जैसे मॉइस्चराइज रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए आप अच्छा मॉइस्चराइजर कोई यूज़ कर लें, जैसे हम एक दो मॉइस्चराइजर हैं, अब नाम नहीं लूंगी। नहीं, होम रेमेडी में क्या यूज कर सकते हैं? होम रेमेडी तो दही इस्तेमाल करेंगे, हाँ, या हाँ, दही भी बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजिंग के लिए, लेकिन वो ड्राई हो जाता है थोड़ी देर में। मैंने नहीं कभी यूज की। ओके, एलोवेरा जेल बहुत, एलोवेरा उसमें वैसलीन डालने, आप वैसलीन नहीं देखे ना मेरी बहन, बेस्ट ऑफ माय गॉड, ग्लिसरीन भी डाल ले, मैं तो वैसलीन और एलोवेरा जेल और बादाम का तेल उसमें ऐड करके, या विटामिन ई की स्किन है हो जाती है उससे, इतनी थिन उसी से मेरी ज्यादा थिन स्किन हुई है। अच्छा, बहुत फर्क पड़ा उससे। चलें जी, शुगुप्ता बाबर ने बताया एलोवेरा जेल एंड बादाम का तेल, या ई विटामिन ई का एक कैप्सूल भी आप डाल सकते हैं, और एक और कौन सी चीज है, और वैसलीन इसको अच्छी तरह मिक्स करें, उससे ये होगा कि ये स्किन जो है ना बहुत ग्लो करती है, जबरदस्त, और अभी तो आ रहा है। अच्छा, ग्लो भी बहुत करती है, बहुत ग्लो करती है। बंद कर दो क्रीम, ये लोगों के धंधे बंद करवा दो भैया, अपने घर के ग्लो है तो लोग जाए नहीं सैलून ही नहीं, अपना भी बंद करवाएगी जो तो पट्टा चौपट करवा जा सकता, जिसको नहीं मतलब जिसके पास, हम जैसे लोगों के पास नहीं टाइम जाने का, एक्स्ट्रा मुझे इतने कॉल करती है फिर मैं जाती हूँ, एक्स्ट्रा बताएं बिल्कुल, ये तो एक बिजी पर्सन है ना, तो इनको इंजेक्टेबल नहीं कर सकते, तो इंजेक्टेबल में टाइम लगता है, 3-4 डेज लग जाते हैं उनको हील अप होने में,
चलें जब वर्षा की तरफ चलते हैं, ब्यूटी सेगमेंट में स्किन की बात हो रही है। वर्षा ने जबरदस्त आईज, ओ माय गॉड, अच्छा किया इसने, ओ जबरदस्त। और सोनिया मॉडल के ऊपर जो है प्रेजेंट कर रही है, ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। कौन से कलर सबसे पहले रेड लगाया था जी? सिल्वर, सिल्वर लगाया आई बेस किया है मैंने, बेस जी। फिर सी ग्रीन का टच दिया है और रेड का है, मस्टर्ड कलर है, ब्लैक भी है। क्या बात है, क्या बात है, दुल्हन बना दिया। लेकिन हाजी ना, एक टेक्निक होती है और उनके हाथों में एक जादू है और बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही है। हम तो यहाँ से भी देख रहे हैं और स्किन स्क्रीन पर तो और भी खूबसूरत लग रही है। वाह, ये हमारी आने वाली जितनी ब्यूटिशियन है हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर आप कहीं पर भी कोई मसला नहीं, अगर आपके घर में भी आपने सैलून ऑन किया हुआ है तो नंबर है 03158248704। आप हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में आ सकती हैं एज अ गेस्ट और अपने काम को इन्हेंस कर सकती हैं। चाहे इसके अलावा भी अगर आप ब्यूटी ब्यूटिशियन हैं या आप फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर वूमेन हैं, आप हैंडमेड कुछ चीज़ बनाती हैं, आप शेफ हैं और वर्किंग लेडी हैं या कुछ काम ऐसा करती है जो बड़ा यूनिक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। हम चलते हैं एस्टर की तरफ। एस्टर की बताएगा स्किन को, जैसे हमने कहा रिंकल्स का भी कह दिया, कुछ लोग लिप्स का भी करवाते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, लिप्स के लिए आजकल लिप फिलर चल रहे हैं। अच्छा, और प्लम्पी अगर किसी को चाहिए, जैसे कि पाउड चल रहा था, अभी रशियन भी चल रहे हैं, तो वो नेचुरल चाहिए तो हम नेचुरल कर देते। अच्छा, रशियन का क्या है मतलब, रशियन किस टाइप का होता है? रशियन आजकल जहाँ से प्लम्प चल रहे हैं। अच्छा, कैसे? यहाँ बिल्कुल वो जैसे वो धागा रख के करते हैं ना, हाँ, हाँ, तो फिलर डाल के, तो मैंने आपको कहा नहीं था, मैंने आपको बिल्कुल नेचुरल लुक करना, किसने करवाना मुझे, लेकिन फिर इन्होंने करवाया नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसने करवाया है वो लड़की, सभी करवा रहे हैं आजकल, मतीरा ने होंठ इतने बड़े बड़े करवा दिए हैं। वो पहले जो थी ना, वो उसका एक बड़ा प्यारा सा एक मासूमाना सा लुक था, तो वो रशियन जो बहुत एक्स्ट्रा वो कर देते हैं ना, तो वो रशियन लिप्स नहीं, इसको मैं एक और ये रशियन करी, मैं तो कहूंगी हबशियों वाले जो मोटे मोटे होंठ नहीं थे, वो जब हमारे क्रिकेट एक टीम आती थी वेस्ट इंडीज की, तो वो उनके चेहरे जो है ना वो मुस्कुराते थे, दांत नजर आते कि उनके होंठ इतने मोटे थे, तो वो लेकिन आजकल लोग खुद का शर्म आ गया है, फैशन भी इतना ही नया कि अगर किसी के अच्छे वाले भी लिप्स होंगे ना, मैं भी शायद से करवाए थोड़े बड़े होंठ, मैं भी शायद ने भी करवा लिए, सभी ने करवाए, और बहुत सारी जो है जिनको पता नहीं क्या कुछ है होगा, उनको लगता होगा ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तो वो लग रही है, उनको फील हो रहा है, मुझे करवाने चाहिए। नहीं नहीं, हमेशा मुझे बोलती है, मैं कहती नहीं मुझे नहीं करवाना। आपका बड़ा एक मैं बताऊं, चाहे आप एज वाइज होगी जो भी, लेकिन आपका चेहरा अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड छोटा है, जिसकी वजह से आपकी उम्र इतनी प्रेजेंट नहीं हो रही है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड होते, कुछ लोगों के थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो छोटी उम्र से भी इतने बड़े बड़े लगते हैं। मेरी भांजी है ना, मैं सच बताऊं क्या बोल, मेरी भांजी का चेहरा जो है ना वो गोल और बड़ा है, तो वो मुझसे भी बड़ी, वो मुझे बोली यदि मेरी आप खाला से मिले तो वो कहती है अच्छा इनकी शादी हो गई है, तो वो अब उनको क्या पता कि मेरी शादी उसकी 5-7 साल पहले हुई है, तो ये फर्क होता है कुछ लोगों के, जब चेहरे बड़े होते वो बच्चियां जो है वो बड़ी लगती हैं, तो वैसे ही बच्ची लगती है। ओ माय गॉड, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा, जब मैं वर्षा की तरफ देखो, मेरे कान से टॉपिक रही, वर्षा कहाँ तक पहुंची, चंदा कितना रह गए जी? बस जी, ये ना कि आपका टाइम निकल जाए और ये नहीं, और चिल मारो टेंशन ले लो। यस, क्या कर रही हैं? अच्छा, लाइनर वो भी लगाना था ना, जो तुमने मुझे भी दिखाया था, बहुत जबरदस्त था वो। लो भाई, वो क्यों नहीं लगाया? शुगुप्ता बाबर नीचे है जगह, हैं नीचे जगह है, लगाओ फिर। गुड मॉर्निंग विद सभी का म्यूजिक नहीं लगा हुआ शहजाद भाई, क्या हो गया, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, लगा हुआ लगा। अच्छा जी, हम शुगुप्ता बाबर के, शुगुप्ता बाबर आजकल ऑफ कोर्स मैंने देखा है हर 2 साल बाद 1 साल बाद कुछ ट्रेंड चेंज होता है, कभी एक्सटेंशन बालों के आ जाते हैं, कभी ओरिजिनल जूड़े आते हैं, कभी साड़ी वेयरिंग होती है, कभी मैंने देखा शरारे घरारे चूड़ीदार पजामा, कभी मैंने ये नहीं देखा था कि कभी भी हमेशा छोटे घरारे की शॉर्ट शर्ट होती थी, फिर लॉन्ग शर्ट्स आई, अब तो फ्रॉक्स चल रही हैं, अब फ्रॉक्स चल रही, फ्रॉक्स चल रही हैं, प्लेन बाल चल रहे हैं, कहाँ एक्सटेंशन बिल्कुल थोड़ी सी पेंट अप हो गई है, और मेकअप बहुत सॉफ्ट आ गया है, हैवी ज्वेलरी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, ट्रेंड अब चेंज हो गए। अच्छा, फ्रॉक्स आ गए ज्यादा लोग, तो बारात वाले दिन भी फ्रॉक पहनते? बारात वाले दिन भी फ्रॉक,
ये कैसे एकदम अचानक? बहुत कम मैंने सरप्राइज देखा है। फ्रॉक्स चल रही है, फ्रॉक्स से चल रही है बिल्कुल। ये नहीं आने आया सरप्राइज, नया सरप्राइज। और ये भी महंगा होगा, ये शौक बड़ा महंगा, लेकिन लगता है बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। ये देखना पड़ेगा यार, नया फ्रॉक्स का एक प्रोग्राम हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उस फ्रॉक्स और डिजाइनर देख लेते हैं और उनकी जो है ब्राइडल मेकओवर देखते हैं कि क्या आपने जिस तरह, फिर ये वो ही होगा क्रिश्चियन जैसे वो एक फ्रॉक्स में। नहीं नहीं, वो फ्रॉक नहीं, एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रॉक जो चल रही है। अच्छा, दूसरे हिसाब से रेड कलर में। अच्छा, नॉर्मल उसमें भी चल रही है, जैसे लॉन कॉटन में भी चल रही है, लॉन्ग ब्राइडल का नहीं, लेकिन पार्टी वेयर चल रही है, पार्टी वेयर। ओके, आम रूटीन में भी सभी पहन रहे हैं। ओके जी नाज़रीन, हम लोगों ने अभी ये जो यूनिक बात सुनी कि भाई ट्रेन, क्योंकि ब्यूटिशियंस के पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों की नॉलेज में एक इजाफा हो जाता है कि ये चीज़ चले। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है अपनी स्किन से रिलेवेंट इंटरनल। अच्छा एस्टर, कुछ लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम होती है लाइक खवातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम, तो होती है, तो क्या उनको भी ट्रीट करते हैं? PCOS के फिर हम लोग डॉक्टर के पास भेजते हैं, गायनी के पास, तो वो उसको पूरा ट्रीट करती हैं। अल्ट्रासाउंड तो हम लोग हर लेडी को पहले लिख के देते हैं, अगर स्पेशली किसी को फेशियल हेयर है, एक्नी है, तो उसमें तो PCOS मस्ट है। तो अगर बहुत ज़्यादा लड़कियों को आजकल PCOS हो रहे हैं, तो उसको गायनी के डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, देन वो हमारे पास स्किन के लिए है। क्योंकि जो गायनी का है प्रॉब्लम, वो गायनी के डॉक्टर ही देख सकते हैं, हार्मोनल हम नहीं देख सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो खुद ही अपनी मेडिसिन लिख के, तो उनके और ज़्यादा केसेस बिगाड़ रही हैं। इंटरनली प्रॉब्लम जो है ना, स्किन तो बाद में देखी जाती है, पहले आप अंदर से सही हो। अगर आप अंदर से सही हो, तो आपका जो बाहर की जो स्किन है, आपकी हेल्थ है, आपका वेट है, PCOS से वेट भी बहुत जल्दी गेन भी होते हैं और लूज भी होते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का मैंने देखा है कि गेन होता है। तो इसलिए अगर किसी को वेट इशू है, किसी को फेशियल हेयर्स हैं, हम लेज़र तो कर रहे होते हैं लेकिन उस तरह हेयर नहीं जा रहा होता, फिर हम उनका टेस्ट करवाते हैं ताकि वो जाके अपना गायनी इशू ख़त्म करवाएं, ताकि फिर उनको रिजल्ट भी आए लेज़र हेयर वर्क। अच्छा, लेज़र से याद आया, कुछ लोगों के चेहरे पे बाल होते हैं। बिल्कुल, और वो भी हार्मोनल की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ लोग स्किन की ट्रीटमेंट करवाते हैं। बिल्कुल, चेहरे पे बहुत रूह अलग होना होते, बाल बहुत ज्यादा ठीक है यार, जो होते हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं? मोस्टली लेजर से, लेजर हेयर मोर से। अच्छा, मतलब थ्रेडिंग से बहुत ज्यादा करते हैं, थ्रेडिंग इतनी ज्यादा करते हैं बाल, मतलब अनट्रेन लोगों से भी थ्रेडिंग करवा लेते हैं, करवा लेते हैं, करीब से करवा लिया, जड़ से नहीं निकालते, रूट्स बिल्कुल वो रहते हैं, तो वो फिर एकदम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, जैसे शेप की तरह हो जाते हैं, तो फिर लेजर से निकलेंगे। लेजर से ये होते हैं कि बर्न कर देते हैं, रूट्स को बर्न कर देते हैं। जब हमारे पास फॉलिकल आता है तो हम उसको बर्न करते जाते हैं, तो जैसे जैसे वो बर्न होता है तो वैसे वैसे बाल आपका थिन होता जाता है। बहुत सारा आजकल तो लड़कियों को बहुत मसला हुआ है, लड़कियां क्या आजकल मेल भी करवा रहे हैं, अपने बियर्ड पे कहेंगे कि हम मार्क करके दे रहे हैं, आप उसके ऊपर लेजर कर दें। अच्छा, तो लेजर से ये है कि फिर टाइम ड्यूरेशन काफी बढ़ जाता है, तो इतनी जल्दी जल्दी उनको रेजर और शेव नहीं करना पड़ता, क्योंकि रेजर से स्किन भी ब्लैक होती है। और खवातीन गलती से भी जो है ना स्किन के ऊपर रेजर ना ही मारे, रेजर बिल्कुल ना करें, स्किन ब्लैक होती है, ब्लैक भी होती है, और स्किन के ऊपर तो बिल्कुल खवातीन को लगाना ही नहीं चाहिए, वो फिर मर्दों की तरह जैसे उनकी बेचारों की दाढ़ी आ जाती है, कुछ खवातीन ये बालों को भी जो है ना ये भी रेजर कर ठीक है, जो आ रहा होता है ना वो थ्रेडिंग से नहीं जाता, थ्रेड अगर करते हैं तो आपका जो है ना स्कार बन जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए लड़कियां अक्सर वैक्स करा लेती हैं, उससे भी पोर्स ओपन या मार्क आ जाते हैं, तो अगर वो लेजर की तरफ आए तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। मैं वही देख रही थी, बहुत अच्छा लाइनर, मेकओवर इसने भी मुझे दिखाया था कि मैंने आपका लाइनर ना चीट किया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने वो लगाया, तभी मैंने कहा वो क्यों नहीं लगाया तुमने, अच्छा बहुत अच्छा लगाया था इसने ना, हो गया डन, हो गया वर्षा, बहुत अच्छा लगाया, क्या बात है। क्लोज में जी नाज़रीन आप देख सकते हैं सोनिया का मेकअप डन हो गया है, और ये देखें जी वर्षा जबरदस्त। अच्छा वर्षा ये बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बुलाऊंगी तो आप क्या बनाना पसंद करोगे, और मजीद क्या जहन में चल रहा है? मैं आज तो तुमने दबन काम किया और जबरदस्त, बहुत अच्छा किया, पहले कंफ्यूज थी ना बहुत फर्स्ट टाइम। अच्छा वो तो छोड़े, वो पिछली बातें छोड़, आगे मैं फिर नेक्स्ट बुलवाऊंगी तो क्या आप प्रेजेंट करोगे? वलीमा ब्राइड बनाएंगे, वलीमा, और वो ये फ्रॉक वाली होनी चाहिए फिर, ठीक है, व्हाइट फ्रॉक, व्हाइट फ्रॉक में क्या बात है। हम शुगुप्ता की तरफ चलते हैं, शुगुप्ता ये बताएं कि अभी जैसे बेस, मैं चाहती हूँ कि बेस क्रैक ना हो यार, जो फट जाती है ना, अभी सर्दियाँ आ रही है, अब हमें बेस कैसे चेंज करनी है? बेस ऐसे चेंज करनी है, आपने फाउंडेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्टिक को थोड़ा सा स्किप कर दें, ठीक है, और प्राइमर यूज़ करें,
तो इतने अच्छे अच्छे बेस आ गए, अब तो क्रैक नहीं हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ गई हैं कि पहले होता था कि हाँ जी बेस में थोड़ी सी मिसिंग होती थी, आई थिंक अब तो नहीं। अब देखिए माशाल्लाह इतनी बच्ची ने इतना ज़बरदस्त बेस बनाया है। अच्छा, तो अब बेस का नहीं, आपका हो जाता है क्या? मेरे ख्याल में आपका भी नहीं होता होगा। नहीं नहीं, अच्छा ये बताएं मुझे, मुझे होम रेमेडी जैसे आपने इतनी अच्छी बताई और कहा कि इसको इस तरह आप यूज़ कर सकती हैं, तो कुछ और भी बताएं कि हम अपने स्किन को रेगुलर तौर पे, क्योंकि आप लोग इस फील्ड से रेलेवेंट हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, तो ऑफकोर्स रोज़ाना सैलून जाना, फिर स्किन आपकी खुद भी फ्रेश होनी चाहिए। सैलून तो आप आया, वही बात है, आप फिर दोबारा मुझसे पूछेंगे, फिर मुझे बोलेंगे सैलून बंद करवाना है क्या? नहीं बताऊंगी। नहीं बताओ कि लोग जो है फ्रेश रहने के लिए खाने पीने में जूस पीना चाहिए, स्किन को रोजाना कैसे क्लीन करना चाहिए? टैंग बहुत बेस्ट होता है, टैंग बहुत बेस्ट है, मैं तकरीबन 4 ग्लास तो लेने चाहिए। ओके, स्किन बहुत अच्छी होती है उससे, और रेगुलर जो मैंने पहले आपको बताया ठीक है, वो यूज़ करें, रोज़ वाटर का बहुत इस्तेमाल करें। इनके कहने का मकसद है कि ऑरेंज जूस या लेमन जूस को मैक्सिमम आप 4 ग्लासेस पिए रेगुलर, आपकी पानी तो ज्यादा पिए, 12 ग्लास पिए, लेकिन आपको विटामिन सी का होना जरूरी है। विटामिन सी वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट है, तो इंटरनली भी हमें वो बूस्ट करता है, बूस्टर है, अच्छा एनर्जी बूस्टर है विटामिन सी, तो उससे अगर हम इंटरनली अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी स्किन भी ग्रो करेगी। जबरदस्त, हम लोग एक सॉन्ग रेडी है, तो एक प्रेजेंटेशन हो जाए, तो सोनिया को बुला लें, हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। चले जी नाजीन, हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, क्योंकि ये है ब्यूटी सेगमेंट।